जिंदगी में कभी पीछे की तरफ मुड़कर मत देखो, हमेशा अपने मुस्तकबिल के बारे में गौर और फिक्र करो, वरना वक्त गुजर जाएगा, तुम फंसे रहोगे। और हर शख्स को राजी रखना एक नामुमकिन सी बात है। हां, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हैं। सच्चे और वफादार लोगों से अक्सर दुनिया नाराज ही रहती है। जिस शख्स का काम हमेशा नुकता चीनी करना और दूसरों के ऐप देखना हो, वो अपने आप में कभी तब्दीली नहीं ला सकता, वो तब्दीली से महरूम हो जाता है। जिंदगी के अंदर झूठा प्यार, खाली जेब और खाली पेट इंसान को वो सबक सिखाते हैं जो कोई बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखाता। अगर कोई इंसान आपको सबके सामने तमाशा बनाए, जलील और रुसवा करे और बाद में अगर माफी मांग ले, तो उसे माफ जरूर कर दो, लेकिन कभी जिंदगी में दोबारा उसके पास जाने की गलती मत करना। ऐसे लोगों के साथ मिलने में बहुत एहतियात से काम लो, जिनके अल्फाज उनके किरदार से ना मिलते हो। इंसान की खूबसूरती तो एक दिन खत्म हो जाती है, मगर दो चीजें कभी खत्म नहीं होती, सीरत और हुस्न इखलाक। नाज़रीन कराम, जुमा मुबारक का दिन था। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोग उस वक्त के खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतजार कर रहे थे। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु कुछ लेट हो गए। हजरत अबू ज़र गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु उठे और बोले, ए उमर, जल्दी आया करो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो कि इतना इंतजार करेंगे। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक अजीम जुमला फरमाया, जब तक मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद होंगे, हुक्मरान राया पर कभी जुल्म नहीं कर सकेंगे। और बोले, मेरे पास एक कुर्ता था, वो भी बीवी ने धोया था, इसलिए देर हो गई। बुजुर्ग फरमाते हैं, रोटी खाते वक्त रोटी के अंदर से बाल निकल आए, तो समझ लो रिज़्क़ की बारिश होने वाली है।